सुरेन जी, सर कुछ आप और अगर इसमें पॉइंटर जोड़ना चाहें जिस पर हम क्लियर कर पाएं कि कितने का घोटाला आप बता रहे हैं, तो जरा वो पॉइंटर जोड़ दीजिए। पूछिए इनसे कितने का घोटाला हुआ, पूछ लीजिए इनसे। ठीक है संजीव जी, एक सेकेंड। विजयन जी कितने का घोटाला हुआ पूछ रहे हैं वो। देखिए मैं आपको बड़े संक्षिप्त में बता देता हूँ, इन्होंने 1000 लो फ्लोर बसेस का वर्क ऑर्डर दिया, बस की कीमत 870 करोड़ रुपया, बस पहले दिन जब सड़क पर उतरेगी, बस सरकार की, ड्राइवर सरकार का, सीएनजी सरकार की, बस की बस डिपो सरकार की, जब बस खड़ी होगी, सिर्फ उसको धोने पहुंचने के लिए इन्होंने पहले किलोमीटर से ही 45 रुपए पर किलोमीटर उसका मेंटेनेंस देना शुरू कर दिया। अगर बस दिन में 200 किलोमीटर चलती है तो 9000 रुपए, 1000 बसें एक दिन में 90 लाख रुपए, और महीने में 27 करोड़ रुपए, और साल में लगभग 325 करोड़ रुपया सिर्फ मेंटेनेंस का दे रहे हैं। 3 साल में अर्पिता जी बस की पूरी कीमत मेंटेनेंस में चली जाएगी, यानी 870 करोड़ की बस और 1000 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का, जबकि वो 3 साल वारंटी पीरियड भी है। अब हमने इनसे पूछा कि भाई वो मेंटेनेंस में क्या क्या काम करेगा, तो इन्होंने कहा कि वो 71 तरह के काम करेंगे। हमने कहा आप वो काम गिनवाइए, दूसरा क्या टेंडर में वो 71 काम थे, तीसरा आपने पहले टेंडर किया प्रोक्योरमेंट का बस खरीदने का, 5 महीने के बाद टेंडर किया उसकी मेंटेनेंस का, और कंडीशन क्या थी, जो बस सप्लाई करेगा वही एएमसी का टेंडर ले सकता है। बस सप्लाई 2 कंपनी कर सकती है, बस सप्लाई का ऑर्डर दिया 2 कंपनियों को, तो ये रेस्ट्रिक्टिव टेंडरिंग की। जब ये पता था कि यही दोनों कंपनियां जो हैं ये मेंटेनेंस के लिए टेंडर डाल सकती है, इसके अलावा कोई डाल ही नहीं सकता, तो उसमें फेयर कंपटीशन तो हुआ ही नहीं। और फिर इन्होंने जो सबसे बड़ी बेईमानी की है, जो कंपनी L1 थी उसको बदल कर अपनी चहेती कंपनी को L1 कर दिया। ठीक है संजीव जी, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। उसके दस्तावेज उसके रिकॉर्ड पर है, उसके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर है, और सीबीआई ने उनको पकड़ लिया। ठीक है सर, कि आपने जो संजीव जी को जवाब दीजिए डाले थे। ठीक है विजयन जी, ठीक है संजीव जी, ये जितनी जितनी बातें कहा, एक तो पहली बात की टेंडर अवार्ड नहीं हुआ, दूसरा किस बात का हुआ। अब ये मेरे सवालों का अर्थ जवाब पॉइंट वाइज दे दे, 7 साल ये राजनीति ना करे। अरे सुनो ना, पिछले राजनीति ना करे, कई बार टेंडर हुआ और हमें हमेशा सिंगल बिडर आया, ऐसा हो रहा है कि सिंगल टेंडर आ रहा है, तो अल्टीमेटली अब ये मजबूरी हुई। 2010 कॉमनवेल्थ के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट आज है वो कॉमनवेल्थ के टाइम में भी हुआ था। तो मेरा कहना है कि ये सारी बातें सीबीआई जांच करे, कहते आप यहाँ क्यों बहस कर रहे हैं, सीबीआई कर दे, सीबीआई कर दे। एक बात बताइए कि भाजपा का सीबीआई, भाजपा का एलजी और भाजपा का शिकायत, तो सब समझ गई सर, मैं रोक रही हूँ सर, संजीव जी सॉरी, सब भ्रष्ट है, सॉरी सर है। मैं समझ गई सर, उन्होंने आपको पॉइंटर्स में सवाल पूछे आपसे, आप फिर उसमें राजनीति लेकर आ गए सर। मैंने पॉइंटर्स आप फिर राजनीति ला रहे हैं सर, समझ गए, राजनीति वाले बयान ना सर सुबह से लगाकर शाम तक चैनल पर चलते हैं, पूरी दुनिया को पता है सर, उसको छोड़ दीजिए। उमेश जी जो बात विजेंद्र जी कह रहे हैं ठीक है, केजरीवाल से डरी हुई है बीजेपी, ये एक एक शब्द में मैं समझ गई, आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप सिर्फ इसका यही जवाब है कि केजरीवाल से बीजेपी डरी हुई है, इसके अलावा आप आज कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं समझ गई, इसलिए मैं आपको रोक उमेश जी के साथ कहा कि सर एक साक्ष्य नहीं दे पाए, एक लॉजिक को आप नहीं बता पाए, जितने उन्होंने आरोप लगाए आपने कहा, जब आपसे आरोप पर सवाल होता है आप कहते सीबीआई इस पर सीबीआई जांच कर रही है, अरे जांच कर रही है तो सर सर आप डिफेंड किसको करने आए, करने दीजिए जांच, जब जांच हो रही है उससे भी दिक्कत है। रुक जाइए उमेश जी, जो बात विजेंद्र जी कह रहे हैं सर, मेरे पास समय कम है, सर मेरे पास समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ उमेश जी, ये जो बात विजेंद्र जी कह रहे हैं सर, मुझे आवाज आपकी कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर, मेरे पास लास्ट के 2 मिनट है, मैं इस पे कंक्लूजन पे आ जाना चाहती हूँ, और मैंने बहुत कम यहाँ पर ओनिका जी से बात की, बहुत धैर्य से उन्होंने यहाँ पर साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया ओनिका जी, मैं आपसे कम सवाल पूछ पाई, लेकिन यहाँ क्लियर करना जरूरी था, यहाँ तूतू मैमे से ज्यादा मुझे लगता है। उमेश जी जो आरोप विजेंद्र जी लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए आपको लग रहा है कि वहां वहां कोई गड़बड़ हुई है? गड़बड़ हुई है कि तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर इरेगुलरिटीज जरूर हुई है,
जो टेंडर का प्रोसीडियर था गलत था, सिंगल टेंडर को कैंट्रोट अबॉर्ड किया जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया गया, ठीक है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पूरा, उसको तब विड्रॉ किया गया। अभी आपने ये नहीं देखा कि अगर वो आपके अगेंस्ट क्लेम फाइल कर देते हैं तो आपको कितना उनको देना पड़ेगा। आफ्टरऑल जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसने अपना खर्चा करना शुरू कर दिया है, बसें बनानी शुरू कर दी है, तो वो अपना आपसे क्लेम करेंगे। अगर नहीं भी क्लेम करते हैं तो अटेम्प्ट तो किया आपने, आपने अटेम्प्ट किया, मैंने आपको बोला ना सेक्शन 15 बनता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, जिसकी मिनिमम 2 साल कैद है, इसका मतलब कोई बेल नहीं होगी अगर इसमें कोई गिरफ्तार नहीं, हो गया। सर, आप तो ये इसमें करप्शन है कि नहीं, सीबीआई नियमों की देखी हुई है, आप क्लियरली बता पा रहे हैं क्या? जिस तरीके के आरोप 5,000 करोड़ रुपए का बीजेपी लगा रही है, आपको लगता है कुछ पैसे का हेर फेर भी हुआ होगा कहीं? कुछ पैसे का हेर फेर हुआ कि नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ इसको, ये आपका एक्चुअली पैसे का हेर फेर इम्पॉसिबल है कहना। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये कहता भी नहीं है कि पैसे का हेर फेर अप्रूव करिए। जो मिसकॉन्डक्ट है सेक्शन 13 है उसके रेड विद सेक्शन 15 अगर आप देखिए अटेम्प्ट जो है उसमें ये है कि आपने इरेगुलरिटी की यानी रूल्स की अनदेखी की। हाँ। उस इरेगुलरिटी से सरकार को नुकसान हुआ और कुछ नहीं, तो कम से कम जो आपने टेंडर के ऊपर खर्चा किया एडवर्टीजमेंट की आपने इतना और खर्चा किया, मीटिंग्स की 3-4-5 लाख, वो तो नुकसान हो ही चुका है ना। अब अगर वो कंपनी आपके ऊपर दावा कर देती है कि आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट करके गलती से कैंसिल किया है, हाँ। तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, तो सिविल कोर्ट क्या अवार्ड कर दी वो भी होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो आपने विड्रॉ क्यों किया? आपने जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था क्यों दिया? अगर दे दिया है आपने गलत दिया है तो आप एडमिट करिए ना, एक एक्शन लीजिए किसी के खिलाफ।